अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मूलियाँ पालक की, जिसके लिए यहाँ पे मेरे पास 3 पाव के करीब चिकन है और पालक जो है मेरे पास 2 किलो है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है हरी मिर्चें डाल के। इसकी रेसिपी मेरे चैनल के अंदर है, पहले भी मैंने पालक पकाई थी। और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो मूलियाँ ली हैं, जिसको मैंने काट लिया है गोल गोल शेप में। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मेरे पास लहसुन का पेस्ट है और नमक मिर्च मैंने जो है वो कम ली है। 1 चाय का चम्मच मेरे पास नमक है, 1 ही चाय का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है और 1 ही चाय का चम्मच मेरे पास हल्दी है, क्योंकि इसमें मैंने पालक में बॉयल करते वक्त मैंने ढेर सारी हरी मिर्च डाली थी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मिर्चें कम ली हैं। और यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर है और 1 ही बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। आप चिकन की जगह जो है वो मटन भी डाल सकते हैं, बीफ भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसके अंदर मैं ये टमाटर प्याज और लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी इसमें और नमक मिर्च डालूँगी, नमक मिर्च भी डालूँगी। हमने चिकन को ना 1 गिलास पानी डाल के और गाल लेना, जब चिकन थोड़ा सा गल जाएगा तो हम चिकन को इसमें से निकाल लेंगे। आप पानी मैंने डाल दिया, ये देखें, अब मैंने इसको गलने के लिए रख देना, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। माशाल्लाह से चिकन हमारा बिल्कुल गल गया है। अब मैं ये चिकन को मसाले में से निकाल लूँगी और फिर मैं इसके अंदर मूलियाँ डाल दूँगी। ये चिकन मैंने निकाल लिया, ये देखिए, अब मैं इसमें मूलियाँ डालने लगी हूँ। मूलियों को मैंने अच्छी तरह धो लिया नमक लगा के। अब मैंने इसको अच्छी तरह भूनना है, भून के तो मैं इसमें पालक डाल दूँगी, फिर इसको गलने के लिए रख दूँगी। पालक क्योंकि हमारी गली हुई है, उबली हुई है, आप मेरी रेसिपी में देख सकते हैं पालक की कि मैंने कैसे बॉयल करती हूँ हरी मिर्चें डाल के। मूलियों को मैंने भून लिया, अब मैं पालक डालूँगी। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन मूलियाँ पालक बनाता है। ये इसी मौसम में आती हैं, 1 महीना रहती हैं, फिर आगे से सर्दियों की मूलियाँ आ जाएंगी। इसमें थोड़ी सी करवाहट होती है मूलियों के अंदर, लेकिन मैंने नमक लगा के दिया है इसको, अब ये ठीक है। चलिए अब इसको इसी पानी में गलने देंगे, फिर मैं इसमें चिकन वापस डाल दूँगी दोबारा से। माशाल्लाह से पालक और मूलियाँ हमारी बिल्कुल सही हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। अब ये जो मैंने चिकन निकाला था, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक इसका ऑयल नहीं निकलता। और 3 मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, ये डाल दूँगी इसमें। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका पालक का ऑयल नहीं निकला था। लीजिए, तैयार है हमारी मज़े मज़े की यमी यमी सी मूलियाँ पालक। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, उससे मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।